हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश विद प्रीति मैम। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। यानी कोई भी सेंटेंस जब आपका दिया है और उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, तो आपको उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने कुछ सेंटेंस पहले लिखा है बोर्ड पे, डू यू प्ले हॉकी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? ये खुद ही सिंबल है, ये बताता है कि ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस में देखिए, सेकंड है डज शी रीड द न्यूज़पेपर, थर्ड इज डिड दे टेल द स्टोरीज। कहने का ये मतलब ये सारे सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी हम कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव देखते हैं, जैसे नंबर वन, डू यू प्ले हॉकी, तो ये जो डू डज डिड हम इसे समझ लेते हैं, यहाँ लिखा ही नहीं, इसे हाइड कर लेते हैं, क्लियर। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करते हैं, तो और जो सॉल्व करने के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हम उसे सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा देंगे। इस तरह से इजिली हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे डू यू प्ले हॉकी, तो डू हमने समझ लिया, लिखा ही नहीं है, क्लियर। हमारा सेंटेंस क्या है? यू प्ले हॉकी। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया जब भी कोई सेंटेंस मिले और आप इसे पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले आप वर्ब देखिए। वर्ब क्या है? प्ले। वर्ब यानी एक्शन, कौन सा एक्शन हो रहा है? प्ले। तो वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है आप उसी से सेंटेंस शुरू करिए। तो वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है? हॉकी। तो यहाँ हॉकी से ही सेंटेंस शुरू करिए, तो हॉकी, क्लियर। अब हमें यहाँ वर्ब लगाना है। अब हम फिर से सेंटेंस पे जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? या तो इज, एम, आर, ये लगता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो हॉकी सिंगुलर है, तो हॉकी के साथ क्या आएगा? इज, ठीक है। हॉकी इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड बाय। अब यू अगर सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही होता है, क्लियर। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, हॉकी इज प्लेड बाय यू। लेकिन ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है? हमें इंट्रोगेटिव करना, यानी इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब, ये जो इज, एम, आर, यहाँ जो भी आएगा उसको उठा के सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इज यहाँ हम कर देंगे, यहाँ से इज मिटा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? इज हॉकी प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, क्लियर स्टूडेंट। अब इज का आई कैपिटल मैंने रखा है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए इज का आई क्या है? कैपिटल हो गया। इस तरह से आप इजिली सेंटेंस को, जो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में इजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और चीज याद दिला दूं, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते थे और कोई सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव में मिलता था तो हम उसे अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते थे, लेकिन एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में ही कन्वर्ट होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क ही आएगा, ओके। इसको ईजी बनाने के लिए मैंने कहा है कि आप जैसे डू, डज, यहाँ डिड जो भी लिखा है इसे छिपा दीजिए, समझ लीजिए लिखा ही नहीं है। आप इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए और फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे उठाकर आगे स्टार्टिंग में लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका सेंटेंस आराम से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्लियर। तो चलिए नाउ जस्ट डू नेक्स्ट। डज शी रीड द न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे क्या है? डज, हमने डज को छुपा लिया, ठीक है। अब क्या है? शी रीड द न्यूज़पेपर। अब आपका वर्ब क्या है? रीड, क्लियर। अब रीड के बाद हमारा कौन सा वर्ड आ रहा है? उसी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। रीड हमारा वर्ब है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर। तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है, इसके लिए हमने वर्ब देखी। वर्ब क्या देखी? रीड। अब रीड का तो फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड फॉर्म भी रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी रेड, यानी स्पेलिंग तो सेम है, तो हम कैसे जाने के कौन सा टेंस है? तो हमने क्या देखा? डज। डू और डज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है, तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या लगता है? इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज। तो द न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज।
द न्यूज पेपर इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रीड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? रीड ही होता है, उसका बस प्रोनंसिएशन अलग रहता है। प्रोनंसिएशन क्या होता है? रेड। तो द न्यूज पेपर इज रेड बाय, क्लियर। अब शी को हम क्या करेंगे? शी हमारा ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा। तो शी अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हर। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया, शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। ये आपका सिंपली सेंटेंस सॉल्व हो गया। लेकिन अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसे भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इस को हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ हटा देंगे। हम कहाँ लगा देंगे? यहाँ इज। और इस के बाद ये कैपिटल लेटर है, तो ये द न्यूज पेपर का टी क्या है? ये स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है, सारे लेटर नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्मॉल हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिड दे टेल द स्टोरीज। अब हमने कहा डिड, स्टूडेंट एक बहुत बड़ी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। डिड, डिड लगा है, इसका मतलब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने देखा दे टेल द स्टोरी। ओके, अब टेल क्या है? वर्ब है हमारा। वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है उससे हम अपना सेंटेंस शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा? द स्टोरीज। क्लियर। अब हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है। टेल, टेल तो फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या ये प्रेजेंट टेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ डेड आया है और डेड हमेशा पास्ट टेंस में आता है। तो ये टेल क्या हुआ? इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वॉज लगाते हैं या तो वर। अब देखते हैं द स्टोरीज, प्लूरल है, स्टोरीज है, तो यहाँ क्या आएगा? वर। द स्टोरीज वर। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टोल्ड। ओके, बाय। अब यहाँ एजेंट क्या है, मतलब किस, ये सब्जेक्ट दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। क्लियर। अब चूंकि ये हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो ये जो वर है ये, ठीक है, इसको हम यहां से हटा के यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे, और वर का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो वर द स्टोरीज टोल्ड बाय देम, क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट। अब ये वर्ग के बाद ये जो द का टी है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है कि आप उसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, और जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब आता है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, उसको उठाकर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दीजिए। इस तरह से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव साइन क्वेश्चन में भी रहेगा, और आंसर जब आप करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो भी आपका इंट्रोगेटिव साइन यानी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। क्लियर स्टूडेंट। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के, वो तो बहुत ही इजी है। जैसे जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, शी डज नॉट हेल्प, she does not help her friends, clear। अब देखिए इसमें not आया, यानी negative sentence है, ठीक है। अब हम इसे simply solve करते हैं, हमारे verb क्या है? help, clear। help के बाद जो आया है उससे हमारा sentence start होगा, तो क्या होगा? her friends, clear। friends क्या, singular है या plural? plural है। अब ये देखते हैं कि कौन सा tense है। Does not help, यानी ये verb की first form है, यानी हमारा ये present indefinite tense है। Present indefinite में is, am, are के साथ verb की third form आएगी। तो friends plural है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Are। एक friend होती तो क्या आता? Is। तो her friends are not का क्या होगा? Not ही होगा। Are not, अब verb की third form हम लगाते हैं। Help का क्या हो जाएगा? Helped by her। कहने का ये मतलब, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ हम क्या करते हैं इसमें जो इज, एम, आर, वाज, वर ये सब है, इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप अगर कोई भी आपको क्लियर हो गया, अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी। ओके,
आप उसमें मुझे फिर से पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है, मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना सकती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।